हेलो दोस्तों, मैं करण सोन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी 14 से 25 के बीच में है तो आप क्रिकेट में करियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिन पे बताते हैं कि आपको 8 साल से ही क्रिकेट में करियर बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों वह वीडियोस उनके लिए होती हैं जिनकी एज 10 साल के आसपास होती है। तो यार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना क्रिकेट में करियर बहुत लेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पास उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है, उतनी नॉलेज नहीं होती है और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में आज हम आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो यार वीडियो का लाइक 200 है, तो यार फटाफट से कर दो कंप्लीट। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लो, बहुत सी एकेडमी हैं जहां पर फ्री क्रिकेट कोचिंग दी जाती है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, एकेडमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको खुद पे मेहनत के बलबूते पर आपको आगे जाना चाहिए। एकेडमी उतना मैटर नहीं करती है आपका क्रिकेटर बनने में। अब बात आती है पढ़ाई या क्रिकेट। दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने काफी ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती है क्योंकि उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, इसलिए वो पढ़ाई में ज्यादा क्रिकेट पे ध्यान देते थे और पढ़ाई में कम, क्योंकि एक आदमी एक काम पर ही माहिर हो सकता है। अगर वह दो काम में माहिर होना चाहता है तो वह दोनों के बीच में रह जाएगा, यानी 50-50 दोनों में माहिर होगा। इसलिए क्रिकेट में ज्यादा ध्यान दें तभी आप क्रिकेट में माहिर बन पाओगे। दोस्तों आपकी 14 से 25 के बीच में है तो यार आपको कुछ भी लेट नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के सिलेक्शन ट्रायल होते ही रहते हैं, जब भी ये ट्रायल हो आप इनमें हिस्सा जरूर लें। इनमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो आपको बहुत से मौके मिलते हैं आगे, जिसमें आपको अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में खेलने के बाद आपको मेहनत करनी होगी। यह ट्रायल्स कोई भी दे सकता है। अगर आपकी 14 के बीच में है तो आप अंडर 14 के ट्रायल दोगे, अगर आपकी 16 के बीच में है तो आप अंडर 16 के ट्रायल दोगे, अगर आपकी 17 से 19 के बीच में है तो आप अंडर 19 के ट्रायल दोगे, अगर आपकी 20 से 23 के बीच में है तो आप अंडर 23 के ट्रायल दोगे। अगर आपकी 23 से ऊपर हो चुकी है तो फिर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अलग सा टैलेंट अपने अंदर लाना होगा जो और किसी के पास नहीं है। आपको सिलेक्टर और कोचेज के नजरों में आना होगा, तब जाके फिर कुछ हो सकता है। और दोस्तों आपको फिटनेस और रेगुलर प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा, कम से कम 4 या 5 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। देखो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आप क्रिकेटर बन सकते हो, बस आपको उन प्रॉब्लम्स और उन दिक्कतों को झेलने का क्षमता होनी चाहिए। आपके इस रास्ते में बहुत सारे पत्थर आएंगे मगर आपको उन पत्थर को हटाकर आगे बढ़ना होगा। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है तो ही आप क्रिकेट में करियर बनाने की सोचो, क्योंकि यार नहीं तो खाली में आपका टाइम वेस्ट होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्रिकेट खेलने की कोई उम्र नहीं होती है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। देखो आपको क्रिकेट में बहुत से फेलियर देखने को मिलेंगे, बस आपको हार नहीं माननी है, करते जाना है, कभी ना कभी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। यार बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर जिंदगी जी है, वह आज क्रिकेट जगत में अपना नाम छाप चुके हैं। बहाने सिर्फ कायर लोग ही देते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।